थैंक यू। पापा कोरमा ट्राई करें, मैंने बनाया। सुल्तान क्यों खा रहे हैं आप ये सब खाना? आपको डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है। अरे कभी कभी चलता है, और तुम्हें तो पता है कि मैं खुद कितना परहेज करता हूँ। अब इस लड़की ने खलूस से बनाया है तो चखना तो चाहिए ना। पापा मेरा नाम लड़की नहीं फायजा है, और अगर आप मुझे बहू बोलेंगे ना तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगेगा। तुम्हें मक्खन लगाने के अलावा और कुछ भी आता कि नहीं? किंजा ये कैसे बात कर रही है फायदा से? अरे नहीं नहीं किंजा, मुझे मुझे मेहमान नवाजी बहुत अच्छी तरह से आती है। जैन भाई लीजिए कबाब, ये मैंने बनाए। That's enough. तुम कहना क्या चाह रही हो कि ये घर मेरा और जैन का नहीं, हम दोनों यहाँ मेहमान हैं? जी जी बिल्कुल, मेरा बिल्कुल यही मतलब है। आप दोनों इस घर में स्पेशल मेहमान हैं। मामा देख रही हैं आप कितनी चालाकी से इस लड़की ने हम दोनों को साइड पे लगा दिया। अरे बेटा तुम इस बेचारी की बातों का बुरा मत मानो, क्योंकि इसे क्या पता कि शादी के बाद मैके में बेटी और दामाद की क्या हैसियत होती है, क्योंकि शादी के बाद इसको तो कभी इसकी माँ ने पूछा तक नहीं। ये तुम दोनों कैसी बातें कर रही हो? क्यों सच तो कह रहे हैं हम, इसलिए कि कुछ लोग इस घर में रहने से खुद को इस घर का मालिक समझने लगे हैं। उनको इनकी औकात याद दिलाना बहुत जरूरी हो गया है। नहीं मामा, अगर आप ये बात मुझे कह रही हैं तो मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। वो तो मैंने बस अपने बड़ों से सुना है कि बेटी और दामाद की इज्जत तो अपने ही घर में होती है, वरना ससुराल में पड़े रहने वाले दामाद और पालतू जानवर में कोई फर्क नहीं होता। बहुत हो मामा, मैं इससे ज्यादा अपनी और जैन की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो जैन हम चल रहे हैं यहाँ से। नौमान अपनी बीवी को खुद समझा लो कि अपनी हद में रहे। अगर मैंने अपने तरीके से समझाया तो बहुत बुरा होगा। I'm so sorry, मेरी गलती है, मुझे किसी को कुछ कहना ही नहीं चाहिए था, मैंने नाराज कर दिया। नहीं फायजा तुमने कुछ गलत नहीं किया। पापा आप किंसा मामा का समझाते क्यों नहीं है? फायजा भी इस घर का हिस्सा है, इनका रवैया इसके साथ ये ठीक नहीं है। नहीं नहीं पापा, आप कुछ भी मत कहिएगा मामा और किंसा को, मैं खुद प्यार और मोहब्बत से उनके दिल में जगह बनाऊंगी। आप लोग अगर इस तरह से बिलावजह झगड़ा करेंगे तो बात खराब होगी, मैं खुद सब देख लूंगी। देखो कितनी समझदार है, अरे तुम भी सीखो कुछ इस लड़की से। पापा लड़की नहीं फायजा। अरे हाँ फायजा फायजा ये तेरे बेटा। वाह भाई तुम तो जादू करने निकली। बस थोड़े टाइम की बात, फिर मामा और किंजा के दिल में भी मेरी जगह बन जाएगी। अच्छा जनाब, अपने मियाँ को भी इतने प्यार से खाना खिलाते हैं जितने प्यार से आप अपने ससुर जी को खाना खिला रहे थे। जी नहीं, पूरा दिन ना खाना बना बना के थक गई हूँ मैं, तुम्हें चाहिए कि तुम अपने हाथों से मुझे खाना खिलाओ। जो हुक्म होगा। ये लीजिए। नहीं नुमान कोई देख लेगा, पागल हो गए। हाँ तो क्या होता है, मैं अपनी बीवी को खाना खिला रहा हूँ, किसी और को नहीं। नुमान